खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। रतिया इलाके में पुलिस ने एक ठग टेलर को किया गिरफ्तार। बड़ी फिल्म हस्तियों और बड़े अधिकारियों के साथ सेल्फी दिखाकर बनाता था लोगों को ठगी का शिकार। बड़े लोगों के साथ रिश्तों की धौंस दिखाकर कई लोगों से ऐठे लाखों रुपए। तत्कालीन डीजीपी बीएस संधु के साथ भी करवा चुका है सेल्फी। पुलिस ने गिरफ्तार कर किया कोर्ट में पेश। टेलर की गिरफ्तारी के बाद ठगी के शिकार कई अन्य लोगों भी आने लगे सामने। रतिया इलाके से पुलिस ने एक ऐसे ठग टेलर को काबू किया है जो बड़े पुलिस अधिकारियों और बॉलीवुड फिल्मी हस्तियों के साथ अपनी सेल्फी दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस ने आज ठग टेलर महेंद्र पाल को कोर्ट में पेश किया। महेंद्र पाल कपड़े सिलने के बहाने बड़ी फिल्मी हस्तियों और बड़े अधिकारियों के संपर्क में आता, उसके बाद उनके साथ सेल्फी लेता था। K9 मीडिया के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट। रतिया का एक टेलर है जो पाल टेलर के नाम से रतिया में अपनी दुकान करता था और यह लोगों के कपड़े सिलने का काम करता था। और यह जो बड़े अधिकारी हैं और जो पंजाबी सिंगर हैं और फिल्मी जो सितारे हैं उनके साथ फ़ोटो कराकर लोगों को दोस्त दिखाता था कि मेरे इससे संबंध है, फिर लोगों से पैसे ऐंठ लेता था। मेरे से भी एक बार ये 25,000 रुपये लेके गया, लेकिन लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद इसने पैसे नहीं लौटाए हैं। तो सुनने में आया ये काफ़ी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है और बीती रात पुलिस को इसने गिरफ्तार किया है। और इसके जो लेनदार हैं वो काफ़ी अभी सामने आ रहे हैं। तो जब पैसे लेने जाते हैं लोग क्या दोस्त दिखाता था ये पैसे, जिससे एक बार लेने के बाद जब पैसा दोबारा मांगता था वापस, तो जो SC ST एक्ट है इसका डर दिखाकर लोगों को डराता था, धमकाता था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे देकर इसको भूल भी गए, क्योंकि लोग इस कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए इसकी ठगी का शिकार। तो ये बॉलीवुड एक्टर और बड़े अधिकारियों के संपर्क में कैसे आया? ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अपनी फेसबुक प्रोफाइल है उस पर, सोशल मीडिया पर ना ये DGP पूर्व DGP BS संधु, उनके फ़ोटो, सनी देओल जो एक्टर हैं फिल्मी सितारा उनके फ़ोटो, और काफ़ी जो बड़ी हस्तियां हैं गुरदास मान साहब हैं जो पंजाबी सिंगर हैं उनके साथ फ़ोटो डालता था और लोगों को प्रभावित करता था कि मेरे इसके साथ संबंध है और मैं आपकी इससे मुलाकात करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो करूँगा। तो इस तरह ये इसका ड्रामा आप पूरा मामला है जी। एक युवक को गिरफ्तार किया, किस आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है? ये जो अरविंद स्लोक मांगेराम है, रतिया का रहने वाला है और इसकी वाइट हाउस के नाम से रतिया शहर में दुकान है, तो इसने कल कंप्लेंट दी है पाल टेलर के खिलाफ। महेंद्र पाल एलियस पाल टेलर है, जिसकी रतिया में टेलरिंग की दुकान है। तो अरविंद ने जो आरोप लगाया भाई मेरी जो कपड़ों की दुकान है उसे कपड़े लेके जाता था और कह देता भी सिलाई करने के बाद मैं पैसे वापस दे दूँगा, लेकिन इसके 40,000 के आसपास जो है देनदारी बका दी। उसके बाद जो है ना ये कल परसों 15 तारीख को, 15/6/2019 को करीब 8 बजे शाम को इसकी दुकान पे, कपड़ों की दुकान पे गया पार्ट अगर, और धमकी देने लगा भी मेरे खिलाफ़ जो है आपने कंप्लेंट क्यों करी, गाड़ी ग्लोव और मार पिटाई वगैरह करने लगा। तो उसको लेकर उसकी कंप्लेंट पर जो है कल मुकदमा दर्ज किया था और आज उसको पेश किया। तो पहले भी इसके खिलाफ ऐसा कोई मामला है जिस तरह से ये आला अधिकारियों के कपड़े वगैरह सिलने का झांसा देकर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता था, उसके बाद जिनसे इसने देनदारी करनी है उसको ब्लैकमेल करता था कि अभी अगर मेरे से पैसे मांगे तो मैं तेरे पे मुकदमा दर्ज करा दूंगा? हाँ, ऐसे भी पीछे मामले 4-5 महीने पहले भी यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था। एक भूपेंद्र सिंह जो टीचर है गुरेरा का रहने वाला और बादलगढ़ में अभी भी टीचर है, इससे अपनी सिस्टर की बीमारी के लिए मतलब 10,000 रुपये उसने लिए थे और जब बार बार पैसे मांगने के 1,000 रुपये उसने लिए थे और जब बार बार पैसे मांगने के बाद या तो वहाँ SC ST एक्ट का भी वो लोग दिखाता भी ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा और मेरी ऊपर तक जान पहचान है, तो इस टाइप के मुकदमे दर्ज करवा के वो पैसे गिरफ्तार करते हैं। तो ये बताते हैं कि बड़े बड़े एक्टरों के साथ भी इसके कोई ऐसे इस तरह के संबंध है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ? देखा फेसबुक पर है जो नामी गिरामी जो एक्ट्रेस वगैरह है या कोई ऑफिसर वगैरह है उनके साथ भी फेसबुक वगैरह फोटो दिखाता है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के बाद उसको पैसे वगैरह दे देते हैं। जब पैसे वो मांगने के लिए जाते हैं तो उस टाइम ये
गाड़ी क्लोज कर देता है और SC ST एक्ट वगैरह के मुकदमे पहले भी दर्ज करवाए हैं जो कैंसिल लगभग कैंसिल हो चुके हैं। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की है पुलिस ने इस पर? फिलहाल केस दर्ज करके इसको आज पेश अदालत किया है माननीय अदालत 1 आदेश देती है।